पाकिस्तान पर लगी साढ़े साती है कि खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही। हर जगह पाकिस्तान की बेइज्जती करवाने की कोई कसर नहीं छोड़ने वाले पाकिस्तानी प्रधानमंत्री इमरान खान को लगा है एक और तगड़ा झटका। दरअसल इस बार झटका दिया है FATF ने, और इस झटके से सिर्फ इमरान खान ही नहीं बल्कि उनके पनाह में पल रहे और बढ़ रहे आतंकियों के भी प्राण सूख गए हैं। चलिए बातों को ज़्यादा घुमाऊंगा नहीं और सीधे आपको बताता हूं कि अब कहां बेइज्जत हुआ है पाकिस्तान। एक संस्था है FATF यानी फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स, और इस संस्था ने पाकिस्तान को FATF के मानकों यानी क्राइटेरिया पर खरा ना उतरने के कारण उसे ब्लैकलिस्ट कर दिया है। दरअसल पाकिस्तान FATF की APG यानी एशिया पैसिफिक ग्रुप के 10 मानकों को पूरा करने में बुरी तरह से नाकाम साबित हुआ। यही नहीं, APG की रिपोर्ट की माने तो पाकिस्तान आर्थिक और कानून व्यवस्था के लिए बनाए गए 40 मानकों में से 32 को पूरा करने में नाकाम रहा। खैर, मुझे तो लगता है कि पाकिस्तान से कानून व्यवस्था की उम्मीद करना ही आसमान में पत्थर मारने जैसा है। खैर, यहाँ तो जो हुआ सो हुआ, अब जरा टेरर फंडिंग पर नज़र डाल लीजिए। अब जो कहूँगा ना उसे सुनकर आप हंसेंगे और ज़ोर ज़ोर से हंसेंगे। क्या है ना कि पाकिस्तान टेरर फंडिंग के खिलाफ सुरक्षा उपायों के लिए 11 में से 10 क्राइटेरिया में फेल हो गया। अब पाकिस्तान टेरर के खिलाफ सुरक्षा उपाय ढूंढ रहा था, अब आप बताइए हंसी कैसे रोकूं? वैसे ऐसा नहीं है कि APG ने पाकिस्तान का डायरेक्ट हुक्का पानी बंद करने का ऐलान किया है। दरअसल आपकी जानकारी के लिए बता दें कि FATF ने पाक को ब्लैकलिस्ट होने से बचने के लिए 27 सूत्रीय एक्शन प्लान सौंपा था, और यही नहीं आतंकियों के खिलाफ पाकिस्तान को ठोस और मजबूत कार्रवाई करने के लिए करीब 15 महीनों की मोहलत भी दी थी। खैर, मोहलत तो खत्म होने को आ गई पर एक्शन और कार्रवाई सिर्फ हवा हवाई बनकर रह गई, क्योंकि इमरान खान कश्मीर में उलझे हुए हैं। खुद का पाकिस्तान उनसे संभल नहीं रहा है और उन्हें कश्मीर की चिंता ज़्यादा सता रही है। वैसे अब FATF के इस एक्शन के बाद तो पाकिस्तान के लिए सिर्फ एक ही कहावत याद आ रही है कि कंगाली में आटा गीला हो गया है पाकिस्तान और इमरान खान का। अब तो बेचारे इमरान खान के लिए यही कह सकता हूँ कि जनाब आँखें खोलिए, कहीं ऐसा ना हो आपके ख्याली पुलाव किसी दिन पाकिस्तानियों की ऐसी तैसी ना करवा दे। और बिरयानी तो छोड़िए, कहीं आपकी नीतियों के कारण दाने दाने को ना तरस जाए पाकिस्तान। FATF से ब्लैकलिस्ट होने के बाद पाकिस्तान की सिर्फ विदेशी ज़मीन पर बेइज्जती नहीं होगी बल्कि पाकिस्तान को कई और जगहों पर भी भारी नुकसान का सामना करना पड़ेगा। पाकिस्तान को वर्ल्ड बैंक की तरफ से आर्थिक सहायता मिलने वाली राशियों पर भी असर पड़ सकता है। पाकिस्तान की आर्थिक मदद करने वाली संस्थाएं जैसे IMF, वर्ल्ड बैंक, ADB, EU पाकिस्तान को डाउनग्रेड कर सकते हैं। मूडीज, S&P एंड फिश जैसी संस्थाएं पाकिस्तान की रिस्क रेटिंग घटा सकती हैं। यही नहीं, IMF से इस्लामाबाद को मिलने वाले बेलआउट पैकेज में भी मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा। विदेशी लेन देन में भी कमी आ सकती है जिसके कारण पाकिस्तान को आर्थिक नुकसान का सामना करना पड़ेगा। यही नहीं, पाकिस्तान में निवेश दर भी घटने लगेंगे क्योंकि निवेशक निवेश करने से डरेंगे। तो जनाब जरा कश्मीर का मसला छोड़िए और जो आतंकियों को पनाह दे रहे हैं उन पर कार्रवाई कीजिए, कहीं ऐसा ना हो कश्मीर के चक्कर में पाकिस्तान भी गंवाना पड़ जाए। ये है ABP News, आपको रखे आगे।